आज लिमिट क्रॉस कर दिए जेने, मेरी बहन के साथ वैसा कैसे कर सकते हैं उसे? This is so disgusting. करण, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो बताइए जय मित्तल, क्या चल रहा है आपके बीच? सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग चले जाइए, यहाँ पे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन। आप इस तरह से नहीं जा सकते, आपको हमारे सवाल के जवाब देने ही पड़ेंगे। उसे मेरे सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। आई थॉट अच्छा बंदा है, बड़ा बड़ा बोला है लेकिन दिल का साफ है। ये तो बहुत बड़ा कमीना है। एक तरफ तुमसे सगाई कर रहा है और दूसरी तरफ मेरी बहन के साथ। जय मित्तल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कहीं मथुरा उधरा कहीं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जा रहा कहीं। अगर हम रूपांटी की खुशी के लिए चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। जय, ओके फाइन, कब जाना है मथुरा? अरे आदि, यह पूरा शहर आपको और आद्य वर्मा को आइडियल कपल मान रहा है और आप अपनी मंगेतर के पीठ पीछे दूसरा अफेयर कर रहे हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग जाइए अभी यहाँ से। कहिए पति पत्नी और वो वाला मामला तो नहीं? ए, बकवास बंद। वाह भाई, आपको दो लड़कियों को घुमाते हुए शर्म नहीं आ रही और आप हमेशा उनका लेक्चर दे रहे हैं। ए, कैमरा नीचे ले। आवाज ऊंची करने से सच नहीं बदल जाता। मैं क्या ऊंचा करूँ? अरे क्या आपका और आद्या का रिश्ता खत्म हो चुका है? क्या आपके चुप रहने से हम यही समझे? देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला है, आप लोग प्लीज अभी जाइए यहाँ से। अगर आप दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा तो बताइए कौन है लड़की? आप इनके लिए लेडीज वॉशरूम में क्यों गए थे? मैम, आप इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। आप बदतमीजी नहीं है, मीडिया पर हाथ उठाने का मतलब जानते हैं आप? बदतमीजी नहीं कर सकते। आद्या जी, आप बताइए, आपके मंगेतर किसी दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो तो जवाब देने की जगह मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ। शुक्र मनाइए, उन्होंने सिर्फ आपको धक्का मारा। अभी अगर मैं होती ना तो जॉब से निकलवा देती आप सबको, FIR करती वो अलग। आप सब खुद को समझते क्या है? मतलब अब हमें किसी की हेल्प करने के लिए आप सबसे परमिशन मांगनी पड़ेगी? मतलब अगर एक लड़का एक लड़की को वॉशरूम से बाहर लेकर भी आ रहा है तो कोई इमरजेंसी होगी ना, और वो आपसे रिक्वेस्ट भी करे कि प्लीज थोड़ा साइड हट जाइए। या हमारे देश की सोच इतनी छोटी है कि आप सबको और कुछ सोचता ही नहीं? सिर्फ एक ही बात सोचती है, ये हमारे देश की रिस्पॉन्सिबल मीडिया। अगर किसी को तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम में हो, तो आप सबको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस आपको तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, TRP चाहिए, कोई मरता है तो मरने दो। और आपका जवाब, मुझे इस फेक न्यूज से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जय और रागिनी पे पूरा भरोसा। मिल गया आप सबको अपना जवाब, अब प्लीज जाइए यहाँ से। जय रागिनी, प्लीज चलो यहाँ से। जय, आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। एक काम करिए, आप सब लोग मेरे साथ आजिए, मेरी गाड़ी में चलो। रागिनी, आद्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई नो,
पूरी दुनिया मुझे गलत समझ सकती है लेकिन तुम नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। लेकिन पता है पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तुम बिना कुछ सोचे समझे ना सीधा मुझे एक थप्पड़ लगा दोगे आते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता है आते That's why I love you so much. तुम्हारे जैसा ना कोई हो ही नहीं सकता। जय वहां क्या हुआ था? बताओ ना क्या था वो सब? तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रही हो? हाँ, क्योंकि कुछ सवाल तो मेरे मन में भी उठे हैं। आई थिंक कि जवाब मांगना मेरा हक है। तो सब ड्रामा था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही थी? अगर भरोसा नहीं होता तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। भरोसा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल खत्म हो गए। अगर मेरी जगह तुम होते क्या तुम सवाल नहीं करते? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मुझे लगता था कि तुम भी मुझ पे यही भरोसा करती हो कि थैंक यू तुमने मेरे डाउट क्लियर कर दिए सब कुछ बोल के। मेरा मतलब वो नहीं था। जय मेरी बात तो जय अग्नि, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या जरूरत थी रेडियो स्टेशन में जाने की? ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। इसमें रागिनी की कोई गलती नहीं है। करा गलती तो मेरी है। नहीं आत्या, इस बार तो मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाने वाला। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझ पे शक करोगी। फोन नहीं उठा रहा है। आत्या, बाहर वाले कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने शक करते हैं ना बहुत तकलीफ होती है। उसे अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी बोलना पड़ेगा। मीडिया पर हाथ उठाया उसने। जय मित्तल, हाय हाय। जय मित्तल, हाय हाय। यहाँ पर भी आ गए। जय मित्तल का बाहर बुलाओ वरना हम केस करेंगे उस पे। आदे आप रुकिए, इन्हें मैं जाके देखता हूँ। जय कहाँ हो तुम? माफी मांगनी पड़ेगी जय मित्तल को। गाइस आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। देखिए मैं मानता हूँ कि जय ने जो किया वो ठीक नहीं था, पर आप लोगों के ऐसे चिल्लाने से कोई सलूशन थोड़ी ना निकलेगा। तो गाइस प्लीज काम डाउन, हम आराम से बैठ के शांति से अंदर बात करें। अंदर नहीं यही बात करेंगे, बहुत गलत हरकत की है जय मित्तल ने। हेलो 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 हेलो, लिसन करो सब लोग, लिसन करो। व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट इज द पंगा? जय मित्तल को बाहर बुलाओ। हाँ, उसे तो मैं आउटसाइड बुला ही लूंगी, पर आप लोग तो इनसाइड चलिए। सिटिंग टॉकिंग करते है ना? हाँ? लेकिन मैम करण लेकर आना। चलिए अंदर बात करते। आइए आइए। चलिए देखिए, इस तरह गरम होकर नाराज होकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का क्या फायदा? पता नहीं जय गुस्से में कहां गया होगा, मैं देख के आती हूँ। आप लोग आराम से सिटिंग कीजिए, टी कॉफी पीजिए और साथ में मित्तल भुजिया भंडार की द फेमस भुजिया खाइए। मित्तल भुजिया, वेरी वेरी टेस्टी। अरे लीजिए ना, ये दिल्ली की सबसे बेहतरीन भुजिया है, मित्तल भुजिया। हाँ हाँ, ये हमारी लेटेस्ट आइटम है। अभी खाइए। शुक्रिया दिया, हैव सम। मेरा बेटा जय मित्तल डायमंड है, डायमंड। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उसका नेम या उसकी फैमिली का नेम स्पॉइल हो। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी,
यू नो मैं प्रॉमिस करती हूँ वेरी सून जय मित्तल इस बात की आप सबको क्लैरिटी देगा. हैप्पी? ठीक है मैम. तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है जय. सॉरी मुझे तुमसे वो सवाल नहीं करना चाहिए था. प्लीज वापस आ जाओ. मैं अब रेडियो स्टेशन पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ. जय आई एम सॉरी. मुझे पता है कि हर रिश्ते में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है. और तुमने जय पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया. उसे कितना हर्ट हुआ है? नहीं रागिनी ऐसा नहीं है. मैं ये जानना था ना कि क्या हुआ है. मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ है. मैं बेहोश हो गई थी आद्या. मुझे चक्कर आ गया था. बस मेरी हेल्प करने के लिए जय उस वॉशरूम में आया था. बिना सोचे बिना समझे इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया उस बात का. मेरी हेल्प करने के लिए जय को क्या मिला? इतनी इंसल्ट. I'm so sorry, रागिनी. तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है. और ऐसा नहीं है. मुझे जय पर पूरा भरोसा है. मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि. लेकिन तुमने कहा तो नहीं ना आता. हेलो आद्या पुत्र मैं बोल रहा हूँ. दादाजी? नहीं पुत्र तू गलत नहीं है. सवाल करना गलत नहीं होता. अगर तू जय की जगह होती तो जय भी तुझसे सवाल पूछता. ये समझदारी तुम दोनों में होनी चाहिए. लेकिन अभी तुम बच्चे हो पुत्र. समझदारी आती है तजुर्बे के साथ वक्त के साथ. थैंक यू दादू. मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई. मैं भी आपकी बात समझ गया हूँ दादू. आप सही कह रहे हैं. अगर आध्या की जगह शायद मैं भी होता तो. I'm sorry. जल्दी से दोनों पैचअप कर लो. हैं? मैं फोन बंद कर रहा हूँ. जी दादाजी. I'm sorry आध्या. बहुत गुस्सा किया ना मैंने तुम्हें. लाइफ तो दिल्ली वालों हमेशा की तरह इस बार भी हमारी लड़ाई सॉल्व हो चुकी है क्योंकि हमारे साथ पूरा दिल्ली जुड़ा रहता है. आप सबकी गुड विशेस, आप सबकी दुआएं और आप सबका प्यार हमारे साथ रहता है. तो इसी के साथ आपके लिए मैं नेक्स्ट गाना लेके आ रहा हूँ और तब तक मैं आध्या को मना लेता हूँ. ठीक है? तो आप भी और मैं भी कीप डूइंग द इश्क बेबी. मुझे बहुत भूख लगी है. सुबह से कुछ नहीं खाया. मैंने भी कुछ नहीं खाया. क्यों? मुझे पता था. क्यों नहीं खाया? एक काम करूं, डेट पे चलें. डिनर डेट. डन. रागिनी मैं और आध्या डिनर डेट पे जा रहे हैं. तुम अभी घर चली जाओ फिर कैच यू लेटर. या बाय. सी यू. आओगी क्या गोलगप्पे? क्या लड्डू? हेलो करण. कोई बात नहीं, कर लेने दो उन्हें अपनी डिनर डेट क्योंकि बहुत जल्द उनके हलक से निवाला तक नहीं उतरेगा. दूसरा प्लान रेडी है. सब एकदम परफेक्ट चल रहा है. उन्हें ऐसी चोट मिलने वाली है कि वो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये सब हुआ क्यों. ये सगाई खुशियों का सेलिब्रेशन नहीं बल्कि जय और आद्या की मोहब्बत का मातम होगा. बात कम काम ज्यादा. मैं वही बोलता हूँ जो काम पूरा करने की हिम्मत रखता हूँ. जय और आद्या को ये पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हुआ कैसे और किसने किया.
आज तुम्हारे लिए सबको स्पेशल ऑर्डर किया है मैंने। हे, लुक, लगता है हॉट कपल का पैचअप हो गया। दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं। हाँ, बट वो लड़की कौन थी? एक्चुअली वो हमारी फ्रेंड है जो वॉशरूम में बेहोश हो गई थी और जय बस उसकी हेल्प कर रहे थे। कितनी छोटी सी फेक न्यूज थी जो लोगों ने वायरल कर दी। लोग अफवाह तो फैला देते हैं लेकिन सच जाने की कभी कोशिश ही नहीं करते। तुम्हें ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए था, हर जगह नारे लगाती रहती हो। लगी मिर्ची तुम गई, तुम तो गई। छोड़ दो नई मिर्ची तो हुई। जय जय उठ। वो करण राग नहीं, अच्छे लोग नहीं है। जय जय बहुत डेंजर लोग हैं, कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले। जय जय तो उठ उठ और अब अभी के अभी आद्या को कॉल कर। जय उठना यार। ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहा था तू? बोला क्या बोलेगा तू? बोला बेटा किसको बोलेगा? बच गया रे तू तो। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं ये दोनों। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.